नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में एएलपी और टेक्नीशियन में 10 अगस्त 2018 को जो फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले यूट्यूब पर मैं ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बनकर आएगा, उस बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अनअकैडमी पर अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम अभी हाल ही में आने वाले दिनों में है तो वो ज़रूर से ऐड हो जाइए, क्योंकि उनको वहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके मेमोरी बेस्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को जो क्वेश्चंस आपके याद हो पाते हैं, कुछ क्वेश्चन याद नहीं हो पाते, तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, मैं डेली आपको बता रहा हूँ, मिरर इमेज से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जा रहा है। तो दो क्वेश्चन आज मिरर इमेज से पूछे गए थे। कितने दोस्तों? दो क्वेश्चन आज मिरर इमेज से पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन आपका जीएसटी के बारे में था। जीएसटी के बारे में मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था। जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है, कल पूछा गया। जीएसटी सबसे पहले आपका फ्रांस में अपनाया गया, कल पूछा गया था। और दोस्तों जीएसटी जो है आपका वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से भारत में। पहला जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया। जीएसटी के ब्रांड एंबेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी को संसद भवन में लागू किया गया था 12 बजे घंटा बजाकर। और दोस्तों पीएच मान पूछा गया, कल भी आपका पीएच मान पूछा गया था एल्कोहल का, आज भी आपका पीएच मान पूछ लिया गया है। फाइब्रिन, फाइब्रोजन होता है जो आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, वो आपका जो आपका रक्त का छप्पा नहीं थक्का नहीं जमता है वो है आपका हेपेरिन के कारण। जो आपका मानव शरीर के अंदर रक्त का छप्पा थक्का नहीं जमता वो है आपका हेपेरिन के कारण। और आप फाइब्रोजन के बारे में पूछा गया। कथन निष्कर्ष आपका साइलैब्स आपके दो थे। कितने दोस्तों? दो कथन निष्कर्ष पूछे गए थे कि कुछ पेन आपके पेंसिल है तो कुछ पेंसिल आपके पेन है, इस प्रकार से पूछा गया था जो मुझे स्टूडेंट ने बताया था। मलेरिया का परजीवी पूछा गया था आपका प्लाज्मोडियम, क्या होता है मलेरिया का परजीवी? प्लाज्मोडियम। मैथ का जो लेवल है दोस्तों वो आपकी हार्ड आ रही है मैथ। जी हाँ दोस्तों, मॉडरेट टू हार्ड आ रही है मैथ का लेवल। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैथ में आपको जो हाल आ जाए, यानी कि जो सेकेंडों में आपको जो आंसर आ जाए, उसी के पीछे आप टाइम वेस्ट करिए, वरना आप आगे बढ़ जाइए। बल का मात्रक पूछा गया था, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में आपका डाइन होता है। और दोस्तों बल के जो मात्रक आपका पूछा गया था आज वो है आपका न्यूटन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। हो सकता है आपसे हीलियम भी आपसे पूछ ले या हाइड्रोजन भी आपसे पूछ ले, ये केवल आपके मेमोरी बेस्ड हैं। जैसे ही आपके बिल्कुल करेक्टली आ जाते हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।